हरियाणा के अंबाला छावनी की हनुमान मार्केट में देर रात आग लगने की वजह से 3 दुकानें जलकर पूरी तरीके से खाक हो गईं। आग की चपेट में आई 2 कपड़े की दुकान और 1 कॉस्मेटिक की दुकान जल गई। हालांकि आग की सूचना मिलने के बाद 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। बता दें कि ये घटना देर रात की है। हालांकि मौके पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी पहुंचे और उन्होंने पीड़ित दुकानदारों को सांत्वना दी। वहीं आग लगने की वजह अभी तक ट्रांसफार्मर में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। 4:35 में फोन आया हमारे पास और उन्होंने फोन किया भी हमारे दोस्त था उनके बेटे ने भी अंकल आपकी दुकान पे आग लगी। मैं और बेटा कार लेके फटाफट दुकान में पहुंचे तो आग इतनी भड़क चुकी थी भी हम उसको ना कंट्रोल करना क्या हम उसको देखते हमारी दुकान के सामने ना सारा स्वाह हो गया। साथ में 2 दुकानों को लग गई और 100 नंबर पर फ़ोन किया था कोई अप्लाई नहीं हुई। 7 फोन थाने में रिपोर्ट लिखाने गए हैं वो कहते हैं हमारे को पता ही क्यों नहीं ना उन्होंने मदद की और वो थाने में जाके 100 नंबर के मैं गया वो कहते जी हमारे को तो पता ही नहीं हमने उनको 4-5 बंदे आगे थाने में तो 20 वहाँ खड़े होने के बावजूद कहते मैं तो चौकी मैं तो मेरी तो ड्यूटी ही नहीं है जी थाने में जी मैं किसकी ड्यूटी है बताओ जी। वो कहते कोई हमारे पता ही नहीं जी किसकी ड्यूटी जी तो 10 के बाद फायर ब्रिगेड गाड़ी फायर ब्रिगेड वालों की तारीफ करते हैं उन्होंने 15 में फटाफट सेटिंग करके 2 गाड़ी और मंगवाई उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करी उनके थैंक्स बोले उसकी 4 गाड़ियाँ आई उसकी वजह से सारे बाजार को बचाव हो गया। 3 दुकानों में लगी उनके आने के बावजूद तो बचाव हो गया नहीं तो सारा बाजार जल के। एक कपड़े की दुकान थी एक हमारे साथ में सिद्धार जी हैं वेद सिंह बीच गला था उनके कपड़े की दुकान थी उसके आगे कॉस्मेटिक की दुकान थी। सर कितने का नुकसान हमारा का 30-35 लाख रुपए का हमारा अपना दुकान का है। अब उनका पड़ोस में वाला कम से कम 10 लाख रुपए का एस्टिमेट उनका भी है और कॉस्मेटिक वाले 5-4 लाख रुपए उसका भी है क्योंकि वो सारी 3 दुकानें खचा खच भरी रहती थी। मंत्री जी आए थे वो मुआयना करके दे गया उन्होंने कहा जांच करेंगे हम